इस दिवाली नवरानी का करे स्वागत। तनिष्क लेकर आया है आपके लिए न्यू नवरानी कलेक्शन। जुड़िए तनिष्क के साथ और ऐतिहासिक रानियों से प्रेरित कलेक्शन से संवारे अपने आप को। खूबसूरत गहने शानदार ऑफर्स के साथ सिर्फ तनिष्क शोरूम, वैशाली नगर, मेन रोड, अजमेर। आज अजमेर विशेष रूप से उत्तर के लिए बड़ा ऐतिहासिक क्षण है कि जिस के लिए यहाँ पर एक सैटेलाइट हॉस्पिटल जो वर्षों से यहाँ का एक स्वप्न था वह साकार हुआ है और उसमें लगभग सभी जो विशेषज्ञ डिपार्टमेंट्स की आवश्यकता होती है सभी यहाँ पर रहेंगे। 50 बेड होंगे और लगभग 26 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्च होंगे और जिसके कारण से क्षेत्र के आसपास लगभग 1,00,000 लोगों को राहत मिलेगी। उस राहत के साथ साथ जो सबसे बड़ा एक और फैक्टर है, हम सब में से प्रत्येक को डिस्पेंसरियों होने के बावजूद भी जेएलएन हॉस्पिटल जाना पड़ता है। जेएलएन हॉस्पिटल पे भी लगातार लोड बढ़ रहा है, उससे उसका भी भार कम होगा। जब पंचशील में आज से 5 साल पहले CSC शुरू करवाई, उसे वहाँ के लोगों को राहत मिली। मेरा और सरकार का ये सोच है कि प्रत्येक क्षेत्र के जन को चिकित्सा सुविधाएं मिलें। और आज तो धन्वंतरी जयंती है और धन्वंतरी भगवान ने जो कि अपने आयुर्वेद के जनक रहे हैं उनकी भी सोच है। सभी लोग स्वास्थ्य की कामना करते हैं, हम सब लोग स्वस्थ रहें। ऐसे शुभ क्षण पर माननीय मुख्यमंत्री ने जो विधानसभा में घोषणाएं की उसकी आज पहली घोषणा आज धरातल पर आई है, इसलिए मैं सरकार का भी आभार व्यक्त करता हूँ, यहाँ के जिला प्रशासन का भी करता हूँ और चिकित्सा विभाग जिन्होंने इसके लिए अथक प्रयत्न किया है उनको भी धन्यवाद देता हूँ। विशेष रूप से साधारण विषय यहाँ के जो जन है अजमेर उत्तर का, उसके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मेरे को इस योग्य बनाया कि आज मैं काम कर सका हूँ। 2003 से लगातार इनका आशीर्वाद मिलता रहा है और इस बार लगभग 1500 करोड़ के लागत की घोषणाएं सरकार के द्वारा अलग अलग विभागों में की हैं। चिकित्सा विभाग के पहले ये एक अपनी घोषणा पूरी हो रही है। बहुत जल्दी जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक है वो भी हॉस्पिटल में बनने जा रहा है। रामनगर में एक पंचकर्म की आयुर्वेद हॉस्पिटल भी बनने जा रहा है और साथ में इन सब के ऊपर जो आयुर्वेद विश्वविद्यालय है, प्राकृतिक विश्वविद्यालय है, उसके लिए भूमि का आवंटन लगभग अंतिम चरणों में है, एक तरह से हो ही गया है। वह विश्वविद्यालय भी बनेगा तो चिकित्सा के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ एक और विश्वविद्यालय बन रहा है, साथ में अपना जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसे भी IIT के समतुल्य RIT भी वह बनने जा रहा है। तो चिकित्सा और चिकित्सा दोनों सुविधाओं में और चिकित्सा और शिक्षा दोनों के क्षेत्रों में हम आगे बढ़ें। तीसरी अजमेर की समस्या जो बड़ी पानी की थी उसके लिए भी लगभग 600 करोड़ की स्वीकृति हुई है। लोहागल के अंदर एक SR-7 की तरह रिजर्वायर टैंक भी बनने जा रहा है। यहाँ पे एक विवेकानंद स्मारक है, आज तक उस पर विवेकानंद मूर्ति नहीं बनी। 12 जनवरी से पहले वहाँ पे एक बड़ी मूर्ति की भी स्थापना हो जाएगी। मैं तो एक एक क्षेत्र को हम आगे लेते जा रहे हैं और कई बार आजकल न्यू टेक्नोलॉजी का युग है तो अजमेर के IT पार्क भी बना है। इस ग्रामीण क्षेत्र के अंदर एक स्पोर्ट्स कॉलेज की भी घोषणा हुई है। मैं समझता हूँ एक एक घोषणा को गिनाने की बार बार आवश्यकता नहीं है लेकिन अजमेर के लिए पर्याप्त हुई है। विशेष रूप से कोटड़ा में हरिभाव उपाध्याय नगर में जो सुरक्षा के दृष्टि एक थाने की भी आज भूमि का आवंटन हो गया है। सबसे पहले यहाँ उसका निरस्त करने का विषय थे तेलंगाना हाउस की, वह भी हुआ। मैं समझता हूँ जनता ने जिन आशाओं और आकांक्षाओं के साथ मेरे पे आशीर्वाद दिया उन सब पे खरा उतरने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि आगामी वर्षों में अजमेर के जन को लाभ मिलेगा और मैंने तो एक दृष्टि दी है कि एक तरह से न्यू अजमेर हम क्षेत्र को मिला करके जब दिल्ली न्यू दिल्ली इस प्रकार को बने क्यों नहीं हम अजमेर में भी अंदर के क्षेत्र जो हमारा प्राचीन अजमेर बहुत आदरणीय है हमारे लिए है ही महत्व का लेकिन साथ में एक न्यू अजमेर की भी हम कल्पना करके उसको धरातल पर लाने की कोशिश करें।
उसके लिए सरकार को मैंने ड्रेनेज सिस्टम बनाने के भी निर्देश दिए हैं, जिसकी कमेटी बन गई है। मैं समझ बहुत जल्दी यहाँ पे एक ड्रेनेज सिस्टम भी बनने की योजना बनेगी, और उसके लिए मैंने अधिकारियों को कहा है अजमेर के विकास के लिए पैसों की चिंता न करें, लेकिन जो घोषणाएँ हों उनको धरातल पर सही रूप में जन के हित में और आप क्रियान्वित करेंगे तो ये अजमेर निश्चित रूप से निखर करके आगे आएगा।